मुस्लिम सहाफी पे आरएसएस के गुंडों ने किया हमला। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो हो रही है वायरल। मामला मैसूर पैलेस के पास का है, जहां राष्ट्रीय सहारा और कौसर न्यूज 24/7 के रिपोर्टर सफदर खैसर रिपोर्टिंग कर रहे थे। पहले तो आरएसएस के गुंडों ने सफदर नाम के इस सहाफी को रिपोर्टिंग करने से रोका, फिर इनसे इनका मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसकी मजहमत करने पे आरएसएस के गुंडों ने सहाफी पे हमला कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक सहाफी को आरएसएस के गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया है और इन पे जानलेवा हमला कर रहे हैं। गनीमत है कि बीच बचाव करते हुए पुलिस ने सहाफी को इस खूनी भीड़ से छुड़ाकर रेस्क्यू करते हुए अपने साथ ले गई। नाजरीन एक बार तसव्वुर करके देखें, अगर वहां पुलिस ना होती तो आज उस खूनी भीड़ के हाथों इस सहाफी का अंजाम क्या होता। जो सहाफी अपनी जान की परवाह किए बगैर हक की आवाज बुलंद करते हुए काले करतूत करने वालों की पोल खोलता है और संघ की गुंडागर्दी को दुनिया के सामने पेश करता है, ये लोग उस पे जानलेवा हमला कर देते हैं। जबकि सहाफी तो हक की आवाज उठा रहे हैं और हुकूमत की गलत पॉलिसियों को अवाम के सामने ला रहे हैं, जिससे घबरा कर ये लोग गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे ईमानदार सहाफियों का एक तरफ कत्ल कर देते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे सहाफियों के ऊपर हमले कर देते हैं। इन खतरनाक हालात में तमाम सहाफियों को चाहिए कि वो इस मामले में आगे आए और इस हमले पर और इस जैसे तमाम मामलात के खिलाफ मजबूत आवाज बने, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इससे पहले कि कोई और सहाफी इस खूनी भीड़ का शिकार बने। इनके खिलाफ आवाज उठानी बेहद जरूरी है। इसके अलावा कर्नाटक के वजीर आला बोम्मई की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी रियासत में सहाफियों के तहफुज को यकीनी बनाए और ऐसी भीड़ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में किसी सहाफी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। साथ ही रियासत में रेप, चोरी, कत्ल और इस जैसे दीगर जुराइम पे मजीद ना पेश आए, इसका ख्याल भी रखना रियासत के वजीर आला ही की जिम्मेदारी है।